तो आज हम मुगल गार्डन्स में हैं और यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा लगता है ऑटम और वो इस सब से क्या मैसेज लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, मीन्स क्या बोलूँ, मीन्स पहली बार हूँ ना तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग ये सब देख के आप लोग कितना भाग्यशाली हैं। वादी भर से दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और ऑटम का मज़ा लेते हैं, मुगल्स गार्डन जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए जाते हैं। और जो ये ऑटम है इसका अपना ही एक मज़ा होता है, क्योंकि जब हम समर में देखते हैं तो एक हमें सब सा दिखता है हर कोई बाग, लेकिन जब ही विंटर आता है तो हमें एक गोल्डन व्यू मिलता है, यानी दो छकले जो है हमें एक ही नज़ारे से मिलते हैं। और इसकी ये मैसेज रहती है कि जब तक कोई गिरेगा नहीं तब तक वो उठेगा नहीं, यानी अपनी गलती से जब तक कोई सीखेगा नहीं। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हम गिर जाते हैं तो उठते नहीं हैं, लेकिन इन चिनारों को देखें कि कैसे ये अपनी जो शक्ल है वो दो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है लोग आते हैं फ़ोटोशूट्स के लिए आते हैं या इस सब को इस सब का मज़ा लेने आते हैं। तो आज हम मुगल गार्डन्स में हैं और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा लगता है ऑटम और वो इस सब से क्या मैसेज लेते हैं। आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आरिफ है और मैं यहाँ लोकेलिटी निषाद में रहता हूँ। तो कैसे आप ऑटम को देखते हैं? देखिए, मैं ऑटम को इस नज़रिए से देखता हूँ, देखो ये कुदरत का, पहले हम बात करेंगे तो ये कुदरत का नज़ारा होता है। मतलब पहले समर होता है, पूरा ग्रीन व्यू होता है, मतलब चमकता हुआ होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपना रंग बदल देता है तो जो ऑटम की शेप में आ जाता है, लाइक सूख जाता है थोड़ा सा और अपना वो जो है छांव, मतलब छांव छोड़ता है अपनी। और देखिए, मैं मैसेज एक तो देना चाहता हूँ ऑटम के ज़रिए। देखो ये एक चिनार का पेड़ होता है, इतना खूबसूरत होता है, समर में इसका अलग व्यू होता है, लेकिन जब हम जो है इसको ऑटम में ले जाते हैं इसका जो रंग, इसका जो हरीनेस, मतलब जो इसमें ये होता है, मतलब पावर जैसे हमें दिखता है कि ये ख़त्म होने वाला, बस अब गिरने वाला, फिर देखिए किस किस तरह से अगेन जो है समर में ग्रो करता है और एक खूबसूरत पेड़ वैसा ही बन जाता है जैसे पहले होता है। बिल्कुल, तो जैसे बोलते हैं, कोई बोलता है कि जब तक गिरेगा नहीं तब तक उठेगा नहीं, तो आप इस तरीके से इस मैसेज को लेते हैं? हाँ ज़रूर, गिर कर उठने ही वाले को मतलब वो बाजी कर कहते हैं, लाइक मतलब गिर कर हर कोई मतलब अपनी लाइफ में ठोकर खाता है, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, लेकिन फिर वो उठने की हिम्मत भी रखता है। जैसे चिनार के पेड़ को ले, समर में हमें खूबसूरत नज़र आता है, फिर जब जो ही विंटर आता है तो मतलब ये सूख सा जाता है, लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, अब ये गिरने वाला है, लेकिन ये फिर जब उठकर मतलब सामने आ जाता है फिर से वैसा ही हमें दिखने को मिलता है जैसा ये ऑलरेडी होता हुआ। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम अब्दुल खालिक खान है और हम यूपी से हैं। तो आप बताएं कि कैसे आप देखते हैं कश्मीर में ऑटम को? मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है बहुत हमें आके, और जितनी भी जगह हम गए, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, सब जगह हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप बताएं कि क्या मैसेज रहेगी आपको बाकी लोगों के लिए इस ऑटम के हवाले से? बाकी लोगों के लिए हमारा मैसेज है कि कश्मीर में विजिट करना चाहिए लोगों को, यहाँ पे आके घूमना चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, और सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके अगर आएंगे तो। यहाँ पे तो आप यहाँ पे किसके साथ आए और कितने दिन अभी यहाँ रहने वाले हैं आप? हम यहाँ पे अपने वाइफ के साथ में आए हैं और यहाँ पे हम हमारा 6 नाइट और 7 डेज था, अभी हमारा यहाँ पे आज 6 डे है, कल हमारा लास्ट डे है। चलिए ठीक है जी। ग्रुप है, सिर्फ लेडीज ही है। और आपने बताया कि कश्मीर में ऑटम आपने पहली बार देखा होगा या इससे पहले भी देखा है? नहीं नहीं, पहली बार, सब पहली बार देख रहे हैं। तो कैसा फील होता है जब ऑटम में आप यहाँ आए और ऑटम की जैसे शूट्स हो रहे हैं? हाँ। तो आपको कैसा लगा ऑटम यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, मीन्स क्या बोलूँ, मीन्स पहली बार हूँ ना तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग ये सब देख के आप लोग कितना भाग्यशाली हैं यहीं पे रहते हो। तो एक मैसेज होती है ऑटम की, तो क्या आपके नज़रिया से क्या मैसेज रहेगी ऑटम की? एक बार कम से कम एक बार, जहाँ भी हो जैसे भी हो, जहाँ भी हो जैसे भी हो, कम से कम एक बार आके देख के जाओ, बस यही मैसेज। एक अपनी अपनी लैंग्वेज में काश्मीर ने कुछ കേട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഇവിടെ വന്ന് കാണണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പറയും.
അത്രയും സുന്ദരമായ ലോകമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പം. അല്ലാഹു എന്തോ കനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് കാശ്മീർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രകൃതി. ബഹുത്ത അച്ഛാ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലമാണ് കണ്ടത്. മഞ്ഞ് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയപ്പം ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു അനുഭവം, ഒരു നല്ല ഫീലിങ്സ് ആണ് നമുക്കുണ്ടായത്. കാശ്മീരിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയതിന് ദൈവത്തോട് ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് കാശ്മീർ കാണാൻ ഭാഗ്യം തന്നത് ഡോക്ടർ കമറുനിസയാണ്. അവരോട് ഒരുപാട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നല്ല കൂട്ടുകാർ ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. ഒരു ചാരിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ആള് ഈ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഈ വ്യക്തിത്വം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാശ്മീർ കാണാൻ പറ്റിയത്. ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. നല്ല കൂട്ടുകാരി, നല്ല കൂട്ടുകാരി, നല്ല കൂട്ടുകാരി. വളരെ സന്തോഷം. കാശ്മീരിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് വന്ന് കാണണം. അടിപൊളിയാണ്, എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. വളരെ സന്തോഷം. കണ്ണിനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കുളിർമ, ഇത്രയും നല്ലൊരു കാഴ്ച. അടിപൊളി, സൂപ്പർ.